रचना, ओ रचना कहाँ चली गई? अरे मुझे आज चाय मिल जाएगी कि नहीं? इस घर में कोई काम टाइम से नहीं होता, सबके अपने अपने ड्रामे हैं। अरे मम्मी जी थोड़ा सबर कर लो, चाय को पकने तो दो, या कप में पानी और चाय पत्ती मिक्स करके दे दूं आपको? अरे इतना टाइम तो चंद्रयान ने चंद्रमा पर पहुंचने में नहीं लगाया था जितना तू चाय बनाने में लगा रही है। मैं भी इंसान हूँ, मशीन या रोबोट तो हूँ नहीं, टाइम तो लगेगा ही। मम्मी मम्मी मेरे स्कूल के कपड़े नहीं मिल रहे, जल्दी आओ, कब से ढूंढ रही हूँ। एक तो ये बच्चे भी ना। मम्मी कहाँ पे हो? अरे आ गई, क्या हुआ तुझे? तेरी दादी काफी नहीं थी क्या शोर मचाने के लिए, जो तूने भी शोर मचा रखा है? अरे शोर नहीं मचाऊंगी तो क्या बैठ के भजन कीर्तन करूंगी मम्मी जी? मेरी ना स्कूल की ड्रेस नहीं मिल रही, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, कहाँ है मेरे कपड़े? कहाँ है क्या, हो गई यही? अरे मम्मी नहीं है यहाँ पे, जब से ढूंढ रही हूँ, मिलते तो पागलों की तरह चिल्ला थोड़ी रही होती। अरे याद आया, कल कपड़े धोके डाले थे, लगता है इतने सारे कामों के बीच ना बालकनी से कपड़े उतारना भूल गई हूँ, अभी लेके आती हूँ। यार मम्मी आप कब कपड़े उतारोगे, कब उसको प्रेस करोगे और कब मैं स्कूल जाऊंगी? अरे बेटा घर के इतने सारे काम रहते हैं, भूल गई, हो गई गलती, 2 मिनट लगेंगे, अभी लेके आती हूँ। अरे बहू तू यहाँ रूम में घूम रही, तो मेरी चाय कौन बना रहा है? समझ गई, तू चाय नहीं चाय के नाम पे मुझे पागल बना रही है। मम्मी जी मैं आपकी चाय ही बना रही थी, बीच में स्वाति ने आवाज लगा दी थी। सब समझती हूँ मैं, चाय ना बनाने के बहाने हैं बहाने। वैसे भी आजकल कौन किसकी बहू, कौन किसकी सास और कौन किसकी माँ, सब रिश्ते मतलब के हैं। बस तुझसे एक काम तो हो नहीं रहा घर का, बताओ। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ हो, स्कूल के कपड़े भी नहीं मिल रहे हो, टिफिन पैक किया या नहीं किया, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, टाइम देखो। अरे बेटा काम के चक्कर में तेरा टिफिन पैक करना ही भूल गई, अभी कर देती हूँ 2 मिनट में। यार मम्मी क्या कर रहे हो, आपकी वजह से ना डेली मेरे को सुबह लेट स्टूडेंट्स की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। मम्मी 2 मिनट बोल के आप यहाँ पे खड़े होकर गप्पे मार रहे हो, ये नहीं कि स्कूल के कपड़े लाके दे दूं। अरे बहू तू कुछ और करिया मत कर, मुझे मेरी चाय लाके दे दे, 2 मिनट 2 मिनट बोल करके तूने 2 घंटे से बिठा रखा है मुझे। चुप करो तुम सारे, आपकी बहू और तुम दोनों की माँ हूँ मैं, नौकर नहीं हूँ। ज्यादा जल्दी अगर सब कुछ चाहिए ना तो खुद के हाथ पैर हिलाओ और अपना ले लो। हे भगवान कैसा कलयुग आ गया है, बहू अपनी सास को एक कप चाय भी बना कर नहीं दे सकती, तू एक काम कर मुझे जहर ला के दे दे। सही कहा आपने, पता नहीं कैसा कलयुग आ गया है, सास एक कप चाय के बिना 2 मिनट नहीं रह सकती। मम्मी दादी बस करो, फिर से लड़ना शुरू मत करो अब। अरे मम्मी कम से कम ये तो सोच लो कि इसका हम बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा बेटा सही है सही है, माँ की चिंता नहीं है अपनी चिंता है बस, तुम सबकी फरमाइशों से मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है कभी सोचा है तुमने? नहीं ना, माँ तो मजदूर है ना, पूरे दिन बस बैठे बैठे ऑर्डर देते रहो। बहू तू मुझे एक बात बता, तू सीरियस है कि मजाक कर रही है? मैं क्या यहाँ कपिल शर्मा शो में आई हूँ जो मैं मजाक करूंगी? अरे मम्मी दादी बस करो ना, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तुम दोनों भाई बहन ना एक जैसे ही हो, पप्पू भदौड़ा तो कामचोर है ही और तू उसकी बहन, तू भी एक नंबर की कामचोर निकली। मम्मी जी बस मेरे पप्पू भाई के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब तुझसे बुरा कौन क्या ही होगा? बस यार मम्मी दादी शांत हो जाओ, ये आपका लड़ाई झगड़ा देख के ना मेरा सर फट रहा है, और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये घर छोड़ के ही भाग जाऊं। बस यही लड़ाई झगड़ा देखते हुए ना मैंने ना कुछ नौकरों को नौकरी पे बुलाया इंटरव्यू के लिए, जो सही लगेगा उसको काम पे रख लेंगे। क्या सच्ची बता बेटा, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। ओए चदा टाटा बिरला मत बन, तू मुझे एक बात बता, नौकर की सैलरी तेरा पप्पू पदौड़ा मामा देगा या तेरी माँ? दादी नौकर की सैलरी ना मेरी माँ देगी, और हम लोग स्कूल जाएंगे तभी जब हम नौकर को सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे टाइम तो हो गया यार इंटरव्यू पे, नौकरों को आ जाना चाहिए था, आया नहीं लेकिन अभी तक कोई। अबे रचित तू स्कूल नहीं गया, और तेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है भाई? मैं तो इतनी भीड़ में बड़ी मुश्किल से बच बचा के अंदर आया हूँ। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन ये बता तू भी स्कूल नहीं गया? अरे यार लेट हो गया ना इसलिए नहीं जा पाया स्कूल, लेकिन तू ये बता तेरे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों है? भाई भीड़ देखी मैंने और मेरे को तो लगा दादी निकल ली भाई। अबे उल्लू के पट्टे तू ऐसा सोचता मेरे बारे में? अरे दादी सोचा नहीं बस मुझे ऐसा लगा। मनहूस कहीं का,
तू यही सब सोचियो। अरे वो सब तो नौकर के इंटरव्यू के लिए आए हैं। हैं? नौकर का इंटरव्यू? अबे रचित यार, लेकिन ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं। अरे क्या बताऊं यार, डेली डेली घर में खाना बनाने की टेंशन, दादी की चाय बनाने की टेंशन, कपड़े धोने की, सुखाने की, फिर उनको उतारने की टेंशन, साफ सफाई की टेंशन, बस इन्हीं सब चीजों से ना घर में डेली लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नौकर रख लिया जाए, बस उसी के लिए इंटरव्यू रख रखा है, और वो जो नीचे भीड़ है ना उन्हीं लोगों की आई है। पर यार इसमें नौकर को रखने की क्या जरूरत है, चंगी भली दादी है तो तुम्हारे घर में। अबे तुझे शर्म नहीं आती, मेरी उम्र है काम करने की। आई एम जस्ट जोकिंग दादी, लेकिन हाँ एक ऑप्शन और है, नौकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऑप्शन बेटा? अरे सिंपल है, रचित की शादी करा दो, इसकी वाइफ आएगी और घर का सारा काम करेगी। वाह वाह वाह, क्या घटिया आइडिया है, फिर स्कूल कौन जाएगा, मेरे सास ससुर? जैसे तेरा दोस्त वैसे उसका आइडिया एकदम बेकार। तू तो बेटा काम कर, उनको बुला नौकर की इंटरव्यू के लिए। ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई बुलाओ पहले कैंडिडेट। अबे ओ रुक जा भाई रुक जा, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पहले इंटरव्यू लेने दे। मे आई कम इन? हाँ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। शुरू करें इंटरव्यू? हाँ जी शुरू करते हैं। माय नेम इज शांता। शांता? कहीं तुम काम वाली कांता की बहन शांता तो नहीं? No, I'm single लड़की of my माता पिता। I have 5 years old experience। I'm very fast and expert in cooking, झाड़ू पोछा साफ सफाई and now I'm single, not married। अरे तो मैं भी तो कब से सिंगल हूँ। अरे ठीक है बस लेकिन मैंने तो अभी तक तुमसे कुछ पूछना ही शुरू नहीं किया। ओह सॉरी मिस्टेक हो गया। कोई नहीं, अपना पास्ट जॉब एक्सपीरियंस बताओ। पास्ट एक्सपीरियंस वो क्या होता है? मतलब तुम पहले कहाँ काम कर चुकी हो। अब काम के बारे में क्या ही बताऊँ आपको, पूरे 10 साल बड़े बड़े हीरो हीरोइनों के घर में काम किया है, फिर खुद का स्टार्टअप भी शुरू किया था। स्टार्टअप? कैसा स्टार्टअप? अरे वही फेंटा मैगी कुल्लड़ पिज्जा इन सब का ठेला लगाना शुरू किया था। अरे तो ठेला लगाना स्टार्टअप थोड़ी ना हुआ। वो क्या है ना साहब, स्टार्टअप बोलना कूल लगता है, और मैंने फिर ठेले पर गली गली जाकर सब्जियां भी बेची है, और फिर 2 साल जेल में कैदी भाइयों के लिए रोटियां भी बनाई है। जेल में? अरे जेल में क्यों गई थी तुम? अरे वो क्या है ना, एक बार एक मालकिन का मेरे हाथों से लड़ाई में सिर फट गया था, तो 2 साल की जेल हुई थी पूरी। खैर वो सब छोड़ो, आप एक्सपीरियंस बहुत है मुझे। सॉरी मैडम, आप प्लीज जा सकते हो आप। अरे एक मौका तो दो, मुझे सारे काम आते, मैं सब कर लूंगी, शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। अरे अगर हमने तुम्हें मौका दे दिया ना तो फिर शिकायत करने के लिए हमें मौका नहीं मिलने वाला। अरे आप प्लीज जाओ। नेक्स्ट कैंडिडेट। हाँ अगले को भेजो। ठीक है चलती है मैं, कहीं और देख लेगी काम। कांता, आई मीन शांता। मालिक अंदर आ जाऊं? अरे भाई और कितना अंदर आएगा, मेरे बेडरूम में जाएगा क्या? ये मालिक सो फनी मालिक। नमस्कार भैया। नमस्कार, बैठ जाऊं भैया? हाँ तो फिर अपने बारे में कुछ बताओ। मैं कौन हूँ? मैं फिरंगियों में हिंदुस्तानी हूँ मैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें हमारी सोने की चिड़िया वापिस लौटाओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे ओ भाई कहाँ से आया है और ये क्या बकवास करे जा रहा है, क्या बोले जा रहा है? अबे नौकर का इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर, किसी मूवी की शूटिंग का ऑडिशन नहीं। ओ मालिक सॉरी मालिक, वो कभी कभी दिमाग का दौरा पड़ता रहता है मेरे को। दिमाग का दौरा? हाँ वो गदर मूवी देखते देखते ना एक बार दिमाग का दौरा पड़ गया था, तो जब से आता रहता है। नहीं भाई नहीं, तुम्हें काम की नहीं, तुम्हें अस्पताल की जरूरत है, तुम अस्पताल जाओ। हाँ ये सही बोल रहा है यार, तुम निकलो भाई, हमें ना कोई ठीक ठाक काम वाला चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहिए जिसको दौरे पड़ते हो, वो भी दिमाग के। जाओ भाई जाओ, चलो निकलो। मालिक प्लीज, मालिक एक मौका, मालिक प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भाई बोला ना यार नहीं चाहिए भाई, जाओ यार निकलो भाई चलो। मालिक मालिक प्लीज, मालिक सॉरी मालिक, एक मौका मालिक। हाँ दे दो मुझे फांसी, चढ़ा दो मुझे सूली पर ये देश आजाद होकर रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे जाओ भाई जाओ। अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ
राम राम जी। राम राम जी, राम राम। वैसे आपका घर तो जमा ही गंदा हो रखा है। मुझे रख लीजिए, एक मिनट में साफ कर दूंगी। लगता है इस काम वाले में कुछ तो बात है, आते ही साफ सफाई की बातें करने लगी। एक मिनट, आपने साफ सफाई का काम ही क्यों चुना? वो कोई ना मुझे नौकरी नहीं दे रहा था, कोई इंजीनियर डॉक्टर वाली नौकरी नहीं दे रहा था। अरे साहब कैसे सवाल पूछ रहे हो, जब घर घर जाकर कूड़ा कट कर और ये खाना बनाने का काम करूंगी और यही आता है तो यही सब करूंगी ना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कितनी पढ़ाई कर रखी है? यही तो नहीं करी, जाए मारे ये सब करना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी लास्ट सैलरी कितनी थी? सीधी सैलरी या ऊपर की सैलरी? कौन सी वाली? ऊपर की सैलरी मतलब? ऊपर वाली वही दो नंबर वाली कमाई। अरे आप तो समझ ही सकते हो, मतलब 2-3 हजार रुपए इधर उधर से ले लेना, यही सब आपको तो पता ही है। सीधी कमाई में घर कहाँ चलता है, बड़ी मुश्किल है इस जमाने में घर चलाना। दो नंबर की कमाई से मतलब क्या है तुम्हारा, ठीक ठीक बताओ। अरे वही बहानेबाजी, मतलब कह देना कि बच्चा बीमार है घर जाना है तो 2-3 हजार रुपए महीना खत्म होने से पहले ले लेना। अच्छा तुम्हारी शादी हो रखी है? क्यों आपने करवानी है? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हो रखी है जी, हो रखी है। क्या करता है तुम्हारा पति? नशा, इसी मारे तो ये सब करना पड़ रहा है। वो तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं तो जिंदा बर्बाद हो गई हूँ। खुद काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी वैसे मेरे 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं। वो तुम्हें प्यार नहीं करता तब इतने बच्चे हैं, अगर प्यार करता तो कितने बच्चे होते? बस बस भाई शांत हो जा, ये बताओ तुम्हें काम क्या क्या आता है? क्या नहीं आता है, जो बोलोगे वो सब कर दूंगी। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, सब में क्या क्या आता है? देखिए ऐसे नहीं बता सकती, जैसे ही आप मुझे काम पे रखोगे ना मैं लाइव करके दिखाऊंगी वो सारा काम। अरे मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि टॉयलेट वगैरह तो साफ कर लोगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुमको? ओ मैडम जी, मैं कोई संडास वाली नहीं हूँ, काम वाली हूँ। आए बड़े संडास साफ करवाने वाले, अपना संडास ना खुद साफ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना बदतमीजी नहीं चलेगी, एक काम करो तुम जाओ निकलो यहाँ से, चलो। हाँ हाँ जा रही हूँ, आए बड़े मुझसे संडास साफ करवाने वाले। हाँ ठीक है जाओ यार, अगला कैंडिडेट भेजो। क्या करें, कोई भी अच्छा सा काम वाला नहीं मिला अभी तक। कोई फायदा नहीं हुआ इंटरव्यू रखने का। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मुझे पता लगा है आप नौकर वगैरह ढूंढ रहे हो, इंटरव्यू वगैरह रखा है? हाँ रखा तो है, लेकिन कोई भी ठीक सा नौकर नहीं मिला। कोई जेल का कैदी है तो किसी को दिमाग के दौरे आते हैं, और किसी को केवल खाना बनाना है, साफ सफाई नहीं करनी। अरे बहन जी आप टेंशन क्यों ले रही हो, आपके पड़ोसी कब काम आएंगे? और मैं जानता हूँ एक नौकर को। अरे जानता क्या हूँ, साथ में ही लेकर आया हूँ, बाहर खड़ा है, रुको बुलाता हूँ। गंगाधर, अरे ओ गंगाधर, आ रहा है आ रहा है। तो बहन जी ये है गंगाधर और मैं हूँ शक्ति शक्ति शक्तिमान। एक बात बताओ, आज से पहले तो मैंने आपको कभी अपने पड़ोस में देखा नहीं। अरे वो मैं नया नया आया हूँ ना, तो इसलिए आपने देखा नहीं होगा। खैर वो छोड़ो, आपको नौकर चाहिए था ना, ये ना नौकर ले लीजिए इसका इंटरव्यू। अच्छा ये बताओ क्या क्या आता है तुम्हें? अरे मेरे नौकर को A to Z सारे काम करने आते हैं। अरे साफ सफाई तो ऐसा करता है कि मालिक बस बैठ कर देखता रह जाए, और खाना खाना तो ऐसा बनाता है कि पूछो मत, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे खाने के बाद तारीफ करते फिरोगे। तुम्हारा नौकर? मतलब तुम नौकर नहीं हो? अरे मैं तो नौकरों का ठेकेदार हूँ। वाह भाई वाह, ये देखो क्या दिन आ गए हैं, मालिक का नौकर और नौकर का एक और नौकर। तो अपने नौकर को तो बुलाओ। हाँ जी अभी बुलाता हूँ। बल्लू, ओ बल्लू। ये राजी हमारा बल्लू नौकर, अभी आपका हुआ। नौकर का एक और नौकर, इसकी टोपी उसके सर। अबे ये क्या बिजनेस है? अरे ओ गंदी शक्ल वाले भैया, मेरे मालिक को नौकर मत बोलना, समझ आई? अबे ओ अकल के दुश्मन,
नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? बाबूजी। अरे ओ बाबूजी बोले पापा जी बोल, लेकिन नौकर मत बोलना, समझ आई? अरे ना 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 ना, शांत हो जा शांत हो जा, गुस्सा नहीं करते बल्लू बेटा, गुस्सा नहीं करते। देख वो किचन दिख रहा है ना, जा ठंडा पानी पिया, तेरा सारा गुस्सा उतर जाएगा। अरे बहन जी कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, आप इंटरव्यू लीजिए ना। हाँ बेटा इसका इंटरव्यू ले तो सही, पता तो चले इसको क्या क्या आता है। चलो ठीक है बताओ तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। अरे मुझे 10 मंजिल का मकान बनाना आता है, बनवाओगे? अरे कैसी बात करते हो बावर्ची, वो खाना ही बनाऊंगा ना। अरे भाई साहब इसको सब बनाना आता है, इसकी शक्ल में मत जाओ, ये सब बना लेता है। और क्या, YouTube से देख देख के सब बना लेता हूँ। सब YouTube से देख के बनाता है या खुद भी कुछ आता है? अरे मेरे को सब कुछ आता है, चाय कॉफी सब्जी रोटी उल्लू गधा बेवकूफ, आपको क्या बनवाना आप ये बताओ ना। मजाक कर रहा है, इसको मजाक करने की आदत है। देखो भाई मुझे तो ये नौकर ठीक लग रहा है, थोड़ा सा फनी है लेकिन अच्छी बात है ना, हंसाता रहेगा, इसी को रख लेते हैं। मम्मी जी एक मिनट रुको, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बल्लू। खाना वाना बना लेते हो? हाँ हाँ बना लेता हूँ। बर्तन धो लेते हो? अरे वो भी धो लूंगा। साफ सफाई कर लोगे? अरे उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। अरे बस करो मम्मी, ठीक है कितना इंटरव्यू लोगे बेचारे का, कर लेगा ना बल्लू सब कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल कर लूंगा। ठीक है बहन जी हम चलते हैं। ठीक है बल्लू तेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, आज से तू हमारा नौकर। जी 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 मालकिन जी जी। ओ बिल्लू। ये तो दादी जी आपकी गर्मा गर्म चाय। ला बेटा ला। वाह बल्लू वाह, क्या चाय बनाई है तूने, तू तो कमाल का शेफ निकला। बस दादी टैलेंट है तो है, घमंड नहीं है, यही तो खासियत है बल्लू की। हाँ हम सब तो खामखाई तेरी शक्ल देख के तेरे गधा समझ बैठे थे, पर तूने गलत सिद्ध कर दिया हम लोगों को। जा बेटा जा काम कर अपना। अरे क्या दीदी ऐसे थोड़ी, ऐसे करो ना, लाइक्स पे लाइक्स आएंगे और ना आए तो बोलना। अरे वाह बल्लू भाई तू तो डांसर भी निकला, क्या मस्त डांस किया है। और क्या, बस टैलेंट है तो है, घमंड नहीं है, यही तो खासियत है बल्लू की। क्यों दादी कैसी लगी मसाज, हो गए ना थकान दूर? वाह बल्लू वाह, मान गए तुझे, जादू है तेरे हाथों में, जितनी मस्त तू चाय बनाता है ना उतनी ही मस्त मसाज भी करता है। बस दादी टैलेंट है तो है, घमंड नहीं है, यही तो खासियत है बल्लू की। बल्लू बेटा इधर आ। जी मालकिन जी बताइए। एक काम कर, सारे गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, जाके कपड़ों को धो दे। जी मालकिन जी अभी धो देता हूँ। जी मालकिन जी सारे गंदे कपड़े धो दिए। ठीक है अब ऐसा कर सबके खाने की तैयारी कर ले। ठीक है तो बताओ आज खाने में क्या बनाऊं, क्या खाओगे आप? अरे बल्लू कुछ भी बना दे, वैसे एक बात बता तुझे क्या क्या बनाना आता है? अरे क्या क्या बनाना आता है, अरे ये पूछो क्या नहीं बनाना आता, सब कुछ आता है बल्लू को। अरे वाह बल्लू तेरा नाम तो बल्लू हलवाई होना चाहिए, तुझे सब कुछ बनाना आता है। वाह बल्लू वाह, तू तो भाई शेफ निकला।
अच्छा बल्लू एक बात बता, तू बोल रहा है कि तेरे को सब बनाना आता है, लेकिन तूने ये सब बनाना सीखा कहाँ से? अरे ये YouTube से सीखा ना सब कुछ, टैलेंट है तो है, घमंड नहीं है, यही तो खासियत है बल्लू की। चल ठीक है बना दे भाई। थैंक यू भाई बल्लू। अरे नीचे क्यों बैठ गया, टीवी देखना है क्या? हाँ भैया। अरे तो फिर यहाँ आगे बैठ, मेरे बगल में आ, नीचे क्यों बैठा है, आजा। नहीं नहीं भैया, आप तो मालिक हो, मैं नौकर हूँ, आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ आपके पास? अरे भाई इसमें छोटे बड़े की क्या बात है, तू इधर बैठ, यहाँ बैठ के टीवी देख, आ जा मैं बोल रहा हूँ ना, आ जा, चल यहाँ बैठ के टीवी देख। भैया एक बात बोलूँ, मेरे को आपने अपने साथ बैठाया, मेरी तो आंखें भर आई। अरे कोई बात नहीं यार, तू भी अपने फैमिली का पार्ट है भाई, क्या दिक्कत होगी, तू टीवी देख, देख कितनी अच्छी मूवी आई है। अरे रो क्यों रहा है, फिल्म देखना भाई। भैया ये मेरे खुशी के आंसू है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, देता कोई नहीं। अरे कहाँ जल गई मेरी अंगूठी, दिन में यहीं तो तार के रखी थी, सब जगह देख ली कहीं नहीं मिल रही। रचना इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों परेशान हो? वो बहू, मैंने अपनी अंगूठी यहाँ उतार कर रखी थी अपने कमरे में, कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, सब जगह देख लिया, पूरा कमरा छान मारा मैंने। अरे मम्मी जी रूम में रखी थी तो कहाँ जाएगी अंगूठी? अरे मम्मी जी मैं समझ गई, आपकी अंगूठी बल्लू ने चुराई है। अरे बहू नहीं, अपना बल्लू ऐसे नहीं कर सकता। अरे मम्मी जी काहे का अपना, इन नौकरों की भोली भाली सूरत पे नहीं जाना चाहिए, इन नौकरों का ना भरोसा नहीं करना चाहिए। आप मेरे साथ चलो, अभी आपकी अंगूठी निकलवाती हूँ। बल्लू तूने दादी की अंगूठी चुराई है ना? मालकिन जी आप ये क्या बोल रहे हो, मैं दादी मालकिन की अंगूठी क्यों चुराऊंगा? देख ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, अंगूठी तू नहीं चुराई है, मेरे को सब पता है। रचित बेटा एक बार बल्लू की तलाश लिए। अरे मम्मी आप क्या बोल रहे हो, भले ही अपना बल्लू शक्ल से चोर लगता है लेकिन नियत का चोर नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसे नौकरों की नियत, तू एक बार चेक तो कर। लदिका चेक करवा। अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है मम्मी, दादी आपने ना अपनी अंगूठी यहीं कहीं रखी होगी, आप भूल गए होगे, एक बार अच्छे से देखो मिल जाएगी। अरे बेटा मैंने सारा रूम छान मारा है, मुझे कहीं नहीं मिली। दादी आपको याद नहीं रहता, आप कई बार अपना चश्मा सर पे लगा के ही भूल जाते हो, एक बार अपने इसमें पॉकेट में चेक करना, क्या पता पॉकेट में हो। इधर तो नहीं है। मिल गई। लो खाम खाई बल्लू पे शक कर रहे हो, बताओ। मालकिन जी हम गरीब है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चोर हैं। अरे बल्लू रुक तो। अरे बल्लू। क्या बहू, कहा था ना अपना बल्लू देखने में चोर लगता है लेकिन है नहीं, ईमानदार है पूरा, पर तू सुने तब ना। अरे रचित बेटा जरा जाके देखना उसको। जा रहा हूँ। अब मैं दुनिया वालों को कैसे समझाऊं, मैं शक्ल से चोर लगता हूं मगर मैं चोर नहीं हूं। अरे बल्लू, अरे यहाँ क्यों बैठा और यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है यार तू? रो नहीं तो क्या करूं, माँ जी ने मेरे को चोर बोल दिया, आप बताओ मैं चोर लगता हूँ? अरे भैया शक्ल छोड़ के बताओ। अरे नहीं नहीं बल्लू तू चोर थोड़ी लगता है यार, वो मम्मी को ना गलत फहमी होगी थी, गुस्से गुस्से में बोल दिया होगा, और छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड होएगा क्या आप? तू यार ऐसे थोड़ी ना करते हैं, तू वैसे भी यार हमारी फैमिली का पार्ट है यार। क्या फैमिली का पार्ट? चल अब आजा, गुस्सा नहीं करते, रोते नहीं, आजा आजा, बुरा नहीं मानते यार छोटी छोटी बातों का। चलो भैया चल। बल्लू सॉरी बेटा,
मैंने तेरे को चोर समझा, तेरे पे शक किया। अरे कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं मालकिन जी, अब तो मैं आपकी फैमिली का पार्ट हूँ ना, अगर आप गुस्सा भी करोगे ना वो भी मैं हंस के सह लूंगा। अरे वाह बल्लू बेटा, जितना बढ़िया तू खाना बनाता है उतनी बढ़िया तू बातें बनाने लग गए। अब बताता हूँ ना बल्लू क्या चीज है। अरे यार आजकल ना चोरी करना भी किसी इंजीनियरिंग पास करने से कम नहीं है। सही कहा यार, अरे वो भी क्या टाइम था जब इंसान को पागल बना के चोरी करना यूं बाएं हाथ का काम था, लेकिन अब तो भोंदू से भोंदू इंसान भी इतना शातिर और समझदार हो गया है कि क्या कहने। मुझे तो लगता है उस्ताद अब हमें ना अपना काम धंधा बदलना पड़ेगा और ये एरिया भी बदलना पड़ेगा। अरे वहां इतनी भीड़ क्यों लग रही है? क्या वहां भी चोरी हुई है क्या? ए दीदी। हाँ बोलो। ये वहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? चोरी चकारी हुई है क्या उस घर में? अरे कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, इंटरव्यू रखा हुआ है वो भी नौकरों के लिए। कह रहे हैं कि संडास साफ करना पड़ेगा, मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने मना कर दिया। अरे इतने बड़े बड़े घर में रहते हैं, खुद हकते हैं, खुद साफ नहीं कर सकते, हमसे साफ करवाना चाहते हैं, ये कोई बात होती है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, हटो। बल्लू अब तो नया प्लान बनाना पड़ेगा। समझ गया उस्ताद। अरे बल्लू, तुझे हमने अपना बेटा माना, तेरे पर इतना भरोसा किया और तू हमें धोखा दे रहा है। बस बढ़िया, टैलेंट है तो है, घमंड नहीं है, यही तो खासियत है बल्लू की। बल्लू हमने तेरे को अपना फैमिली का पार्ट समझा और तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है? इट्स बल्लू मैजिक ब्रो। शाबाश बल्लू, अब सारा पैसा मेरा। मेरा? आई मीन हमारा। हमारा। सो गाइस कैसी लगी वीडियो? तो भाई ये रहा हमारा शक्तिमान, और वो रहा शक्तिमान वो रहा हमारा बल्लू चोर।
तो भाई एक नंबर मजे ला दिए वीडियो में इनने। तो आपको भी आई होप पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट और बल्लू की चोरी कैसी लगी वो भी कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई है तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय गाइज़।